अब आगे क्या करें आलिया? अब ये अगर ऐसे ही करता रहा तो मिताली भाभी को तो मैं क्या क्या ऐसे क्या देख रही हूँ? मैंने तो नॉक किया है तुम्हारी तरह नहीं, बिना परमिशन के कमरे के अंदर ही आ गए। खैर जो बोलने आई हूँ वो सुन लो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि मन की बात मन में ही रख ली और चल दी। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ तो तुम समझ ही रही हो। तो तुम्हारे मन में तो बहुत बातें चलती रहती है ना, ये जो जिंदगी भर तुमने इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग की है वो सब। तो मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि तुम इनसे दूर रहना। तुम मुझे अभी से दूर रहने के लिए कह रही हो प्रज्ञा? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मैंने तुम्हें अपना पति उधार में दिया है तो तुम किराए के मकान पे कब्जा करने की सोचो मत। He's my husband. मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ बोलोगे। तो ऐसा करते हैं, कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ से शुरू करते हैं। ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आलिया, इसने क्या कहा था सुषमा जी को जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे? कि एक्चुअली मेरा और इनका डिवोर्स होने वाला था लेकिन हुआ ही नहीं। तो मतलब हमारी शादी भी हुई है और शादी का एफिडेविट भी है। तो अगर मेरी शादी इनसे हो चुकी है तो तुम्हारी शादी तो बिल्कुल इलीगल है। तो इलीगल प्लॉट पे मकान बनाने की कोशिश तुम कर रही हो, मैंने इसलिए दोबारा पलट कर मुझे जवाब मत देना और मेरे कमरे में बुरी इंटेंशंस के साथ मत आना। What do you mean by बुरी इंटेंशंस? बुरी इंटेंशंस के बारे में बुरे कैरेक्टर वाले को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। बहुत स्मार्ट समझती हो खुद को प्रज्ञा, लेकिन मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा। जब तुम्हें पता था कि अभी और तुम्हारी शादी लीगल है तो तुमने अभी को खरीदा क्यों? आई मीन जो चीज पहले से तुम्हारी थी उसके लिए तुमने मुझे पैसे क्यों दिए? क्योंकि उस वक्त मैं अपना हक जताना नहीं चाहती थी। जो बाजी छोटी पत्ती से जीती जा सकती है उसमें मैं बड़ी पत्ती नहीं जाया करना चाहती थी, लेकिन अब लगता है हक जताने का टाइम आ गया है। बहुत छूट मिल गई है सबको। कल से इस घर में मेरे रूल्स और रेगुलेशंस चलेंगे। कैसे रूल्स? कल सुबह बताऊंगा। कल सुबह सब मुझे ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलने चाहिए 8:30 AM शार्प। गुड नाइट गाइस। अरे यू रेडी? मैंने एक्चुअली बाहर ही चेंज कर लिया, सही है ना? गुड बॉय। काल कहाँ है? है वहीं पर, देखो। मिल गई। मिल गया। हाँ, गॉट इट फाइनली। क्या हुआ? बैठो। अरे कैसी लगी मेरे साथ पहली बारिश? क्या? अच्छा। ब्लेस यू। ओके ओके, मत बताओ, समझ में आ गया। मुझे एक बात बताओ। हाँ? अगर पता है सर्दी जुकाम हो जाता है तो क्यों भीगे बारिश में? सर्दी जुकाम तो अगले दिन चला जाएगा ना, लेकिन जो मोमेंट्स हमने स्पेंड करे हैं साथ में वो थोड़ी वापस आएंगे, वो तो लाइफ टाइम के लिए हो गए। और ये बारिश ना प्राची, मेरी लाइफ की सबसे अलग बारिश, बेस्ट बारिश आज तक। अलग कैसे? क्योंकि इस बारिश में तुम मेरे साथ थी, तुमने मुझे इतनी प्यार से आई लव यू बोला, वो भी सबके सामने। मुझे कितने जिद्दी हो गए हो, सबके सामने कुछ भी बुलवाते हो मुझसे। जिद नहीं है, ये प्यार है, दिस लव। यस। ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा मुझे बताओ तुम्हें बारिश पसंद क्यों नहीं है? मुझे ना पहले बारिश से ना इरिटेशन होती थी, मुझे लगता था अगर बारिश होगी ना तो सामने ट्रैफिक जाम हो जाएगा पूरी रोड पे, और फिर खड़े रहो वेट करो, और अगर बाय चांस ट्रैफिक जाम ना भी हो भगवान की दया से तो गाड़ियों के बिना साइड में वो गड्ढे हो रखे होते हैं रोड पे, तो इतने गहरे गहरे वहाँ पानी भर जाता है, फिर गाड़ी चलाओ तो वहाँ पे पच करके पानी किसी और के ऊपर। आई यूज टू हेट बारिश, मतलब प्रॉब्लम थी वो। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, एक दिन मैंने बारिश में ना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को ऐसे डांस करते हुए देखा, और जब मैंने उस लड़की को देखा ना प्राची, ऐसे छोटी 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 बूंदे उसके ऊपर गिर रही थी, और मानो वो जो बूंदों की जो आवाज थी ना, वो बूंदों की आवाज नहीं लगी मुझे, वो मुझे लगा किसी ने मेरे कानों में से ऐसे मधुर संगीत चला दिया। जो बूंदे थी वो बूंदे मुझे बूंदे नहीं दिखी, मुझे उन बूंदों में ना ऐसे गुलदस्ता दिखाई दिया ऐसा उड़ता उसके ऊपर। वो लड़की इतने प्यार से नाच रही थी, इतने अच्छे से नाच रही थी ना, कि मैं उसको सिर्फ देखता ही रहा। एंड यू नो व्हाट, दैट वाज द फर्स्ट डेट जब मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकला बिना अम्ब्रेला के बारिश में, एक्चुअली। अच्छा। कौन थी वो लड़की जिसने तुम्हें बारिश से प्यार करवाया?
वो लड़की ऑयल ऑयल कहाँ रखा है? ऑयल वहाँ है। हाँ तो उठा के दे दो ना। हमें सिर्फ बताने को कहा है, देने को नहीं। मैं कोई तुमको ना वो तेल का बड़ा कनस्तर वो उठाने के लिए नहीं बोलूँ जो तुमसे नहीं उठेगा। एक छोटी सी शीशी बोल रही हूँ ना, तो उठा के दे दो ना। तो हम भी तो ये कह सकते हैं ना कि आपसे एक ऑयल की शीशी भी नहीं उठाई जा रही। पर हम आपको देंगे नहीं, सिर्फ बताएंगे कि कहाँ क्या रखा है। ठीक है तो देखो ऐसा करते हैं, मैं जो तुम्हें कहना चाह रही हूँ ना वो तुम समझ जाओ तो तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। वो मतलब तुम मेरे जैसा खाना बनाना सीख जाओगी ना, सब लोग उंगलियां चाटेंगे और बोलेंगे कि वाह क्या खाना बनाया है। हो सकता है प्रज्ञा खुश हो जाए, तुम्हारा वो प्रमोशन कर दे, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दे। आई बात समझ में? वो फ्रूट्स काट दो। सॉरी मैम, पर हम आपको एक चाकू भी उठा के नहीं दे सकते हैं। सब काम आपको खुद ही करना होगा, वो भी विदाउट एनी हेल्प। देखो तुम प्रज्ञा की बात को इतना सीरियसली मत लो। आपके लिए वो नॉर्मल होगा बट हमारे लिए वो डायरेक्ट ऑर्डर है। हाँ तो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया? रेडीमेड वाला नहीं था जो पैकेट काटा गरम पानी में डाला और बन गया। पोहे बनाने में टाइम लगता है ना थोड़ा। पोहे? हाँ पोहे। नो, आई डोंट लाइक पोहे। अरे पर आपने मेरे हाथों का खाया नहीं होगा ना, इसलिए यू डोंट लाइक। मुझे फिर भी पसंद नहीं, मेरे लिए पोरेज बना देना। पोरेज? देखिए मैं यहाँ नाश्ता बना रही हूँ, कोई मास्टर शेफ नहीं खेल रही हूँ। मुझसे आप मीठा दलिया बनवा लीजिए, नमकीन दलिया बनवा लीजिए, उपमा बनवा लीजिए, मैं सब बना लूंगी। लेकिन ये जो आप बोल रही ना ये मुझे नहीं आता है। हमारी क्या फीकी चल रही है? दलिये को ही पोरेज कहते हैं। हाँ तो वो तो मुझे भी पता है, लेकिन वो जो इंग्लिश स्टाइल का जो होता है ना वो मुझे नहीं आता है। मुझे आप देसी स्टाइल बोल दीजिए, मैं बनाकर दे दूंगी। दोनों का तड़का हिंदी अंग्रेजी अलग अलग होता होगा ना। एग्जैक्टली मैम का पोरेज बनाने का स्टाइल ही अलग है। मैम मैं बना दूं? नहीं शगुन, इस घर में प्रज्ञा की ही चलती है। उसका ऑर्डर जैसे पत्थर की लकीर, एक बार खिंच गई सो खिंच गई। बेटी मेरी है लेकिन उसकी नाफरमानी तो मैं भी नहीं कर सकती। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इनको बताने आई थी कि मुझे पोरेज पसंद है। वो तुम आ गई, वो ये जो वो बोल रहे ना वो भी है, वो मुझे नहीं आता है। नहीं आता है तो सीख लीजिए, आपको ही इतनी शिकायत थी ना इनके खाने से, तो आप सीख के दिखा दीजिए कि कुकिंग कहते किसे। वैसे लंच में क्या है? लंच तो इन्होंने अच्छा बनाया था ना, वो जो बनाया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही कमाल का बनाया था। मैं तो उंगलियां चाटती रह गई, वैसा खाना मैंने कभी खाया ही नहीं जिंदगी में। नहीं नहीं मैम, पर आपने तो कहा था कि इससे ज्यादा घटिया खाना आपने कभी खाया ही नहीं। नहीं, तुमने शायद गलत सुना, मैंने कहा था कि इस खाने के आगे सारा खाना घटिया है। तो लंच तो यही बनाएंगे, मैं नाश्ता बना रही हूँ ना। वो हम डिसाइड करेंगे, आप पहले नाश्ता बना लीजिए प्लीज। और जल्दी बनाइएगा, याद है ना बहुत भूख लगी। जल्दी जल्दी क्विकली क्विकली जल्दी जल्दी। दीदा मेरा हाथ अब क्या करेगी? रिया मेरी बात ध्यान से सुन, मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। बोलिए ना क्या हुआ? तू इस घर में सबको अंधेरे में रख सकती है, प्राची को बेवकूफ बना सकती है, वो बेचारी बन भी जाएगी क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तू बदल गई। लेकिन मैं जानती हूँ यहाँ रिश्तों के अलावा कुछ भी नहीं बदला है, तू वही पहले वाली रिया है। आप क्या कह रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है पुत्र, और मैं देख भी रही, इसलिए मेरे सामने ना अनजान बनने का नाटक मत कर। दीदा आप क्या कह रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तू क्या चाहती है रिया, कि ये सब मैं तुझसे सबके सामने पूछूं? सबके सामने तुझे कटघरे में खड़ा रखूं और फिर पूछूं
कि रणबीर के साथ तू अकेले समय क्यों बिताना चाहती है। दीदा अभी क्या कह रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आप ऐसा क्यों सोच रही है? रणबीर तो बस मुझे बैंगलोर छोड़ने आ रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। दीदा आप पास को क्यों याद कर रही है? पुरानी बातों को भूल जाइए ना, हमारे बीच में जो भी था वो पास था, अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। और वैसे भी हम दोनों की शादियां हो चुकी है, हम ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। आप गलत समझ रही है दीदा। तू तो सफाई भी सफाई से नहीं दे पा रही है पुत्र, क्योंकि तेरे मन में खोट है। और जिन लोगों का मन साफ नहीं होता है ना, वो चेहरे पे उनके साफ साफ दिखाई दे जाता। जिन नजरों से तू रणबीर को देख रही है वो मैं साफ साफ देख सकती हूँ पुत्र, इसलिए मुझे बेवकूफ मत बना, मेरे उम्र के तजुर्बे को छेड़ मत। दीदा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। तुझे समझाने की नहीं समझने की जरूरत है पुत्र, कि मैं प्राची को तुम लोगों के साथ क्यों भेज रही हूँ। देख अभी तो मुझे सिर्फ शक हुआ है, अगर ये शक बढ़ गया और फिर यकीन में बदल गया तो मुझे सिद्ध से बात करनी पड़ेगी। उसे ये कहना पड़ेगा कि वो यहाँ से चला जाए, किसी अलग घर में रहे अपनी बीवी के साथ। समझ गई? दादी भाभी क्या पोहे बनाए आपने, इट्स ट्रू गुड यार। कसम से अगर मैंने मोतियों के हार पहने होते ना तो उतार कर तुम्हें दे देता, इट्स सो गुड। मैंने डिसाइड कर लिया आज के बाद नाश्ता लंच डिनर सब कुछ आप ही बनाएंगी मेरे लिए, टू गुड। अभी लेकिन मैं ही क्यों? ये ना आंचल शगुन और ये बनाएंगी ना, मैं क्यों? मैं आंचल शगुन क्या खाना बनाते ये दोनों हैं? जो जादू आपके हाथों में है ना वो इनके हाथों में क्या है? इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब चौल हो या बंगला, अमीर हो या कंगला, खाना आप ही बनाएंगे। कल का मेन्यू डिसाइड करें। आई एम सॉरी भाभी, मतलब इतना प्रेशर आप पे डालने का मेरा प्लान तो नहीं था, लेकिन आपके प्यारे देवर ने रिक्वेस्ट किया, आप कैसे मना कर सकती हैं? बट आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत ज्यादा काम है, आपकी मदद ताई जी कर देंगी किचन में। अरे पानी पानी पीजिए। ओ मैं कैसे भूल गई, आपको तो किचन का काम करना पसंद नहीं है ना, फिर तो भाभी अके... नहीं, नहीं, तुमको गलत फहमी है प्रज्ञा, मम्मी जी को पसंद है ना मम्मी जी, और वैसे भी सास बहू की जोड़ी तो हर जगह अच्छी लगती है, तो किचन में भी अच्छी दिखेगी है ना। अगर वो कह रही है तो तू बीच में क्यों बोल रही है? हाँ ठीक तो कह रही है, आखिर वो घर की बॉस है। सो तो है ताई जी, तो भाभी आपको खाना अकेले ही बनाना पड़ेगा। ताई जी आप ऐसा कीजिए, आप आंचल और शगुन को झाड़ू पोछे में मदद कर दीजिए। ये क्या बात हुई प्रज्ञा, अब तुम ताई जी से झाड़ू पोछा करवाओगी? शर्म नहीं आती है तुम्हें? तुम करवाती थी तो तुम्हें शर्म नहीं आती थी? बड़े बुजुर्गों से पानी भरवाती थी, तुम्हें शर्म नहीं आती थी? और किसी और का काम करने के लिए नहीं कह रही, सब इसी घर में रहते हैं, इस घर का काम करना, अपने ही घर का काम करने में कैसा है? तुम भी तो इस घर में रहती हो, तुम क्यों नहीं करती हो काम? मैं काम करती हूँ अंदर, मैं ऑफिस जाती हूँ, पैसे कमाती हूँ, तभी ये घर चलता है। सुषमा आंटी बिजनेस संभालती है, तुम्हारे भाई मेरे लिए काम करते हैं। इस घर में एक ही इंसान है जो काम न करना चाहता है न किसी को करने दे रहा है, वो तुम। लेकिन अगर इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा। क्या हो गया, मैंने कुछ गलत कहा? गलत तो कहा तुमने प्रज्ञा, तुम हमसे काम नहीं करवाना चाहती हो, हम पे रोक जानना चाहती हो। एग्जैक्टली, और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बर्दाश्त कर रहे हो तुम लोग, ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम घर के नौकरों के सामने हमारे साथ नौकरों जैसा बिहेव करती हो, हमें ह्यूमिलेट करती हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं चौल वाली तनु नहीं हूं। अब मेरे पास भी पैसे हैं, और पैसा मतलब पावर और इज्जत, तो हम सबके साथ इज्जत से पेश आओ। इतने सारे पैसे आ गए हैं तो नौकर रख लो,
इज्जत खरीद लो, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तुम्हारी। अब आइडिया तो सही है तनु, मतलब सही सलाह दे रही प्रज्ञा। हम अपने लिए एक नौकर रख लेते ना, मतलब जो हमारे सबके काम कर देगा। पर ध्यान रहे, नौकर तुम चौल में नहीं रख रही हो, इस बड़े घर में रख रही हो, और बड़े घर के नौकर बड़े पैसे मांगते। जितने भी ले प्रज्ञा, तुम्हें उससे क्या, तनु के पास तो बहुत सारे पैसे हैं, देगी ना तनु? हाँ, वैसे बैठे बैठे तो कुएं भी खाली हो जाते हैं, तनु के भी खाली हो जाएंगे, लेकिन जब तक है तब तक तो ऐश करेगी ना। नहीं दादी, क्योंकि ये तनु के पास जो पैसे हैं ना, वो हाथी के दांत के जैसे, वो सिर्फ दिखाने के लिए, खाने के लिए नहीं। ओह वाह, क्या मस्त बातें चल रही है, पेट भर गया। Excuse me. अभी तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ बोलोगे नहीं तुम? बोलूंगा ना, मैं पक गया। जो तुम लोगों का रोजगार सम्मेलन चल रहा है ना, तुम लोगों को मुबारक। अब किसे नौकर रखना है, किसे नहीं रखना है, किसे खुद काम करना है, किसे नहीं करना है, आपस में डिसाइड करो, मार दो एक दूसरे को। अरे भाई, पर ये क्या बात हुई, काम करना है तो खुद करो, वरना पैसे देके काम करवा। आप कहिए प्रज्ञा से, आपकी बीवी आपकी सुनेगी। मैं किसी की नहीं सुनूंगी, और अगर आपको एतराज है कि आलिया और तनु काम कर रहे हैं, तो आप उनका काम कर सकते हैं। फिलहाल तो मुझे एक ही काम आ रहा है, वो भी बहुत जोर से, नींद। क्या कल रात को ठीक से सो नहीं पाया, और अब इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर जो नींद आ रही है ना, क्या ही बताए। इंजॉय। आई गेस सबको सबका जवाब मिल गया होगा। ओह गॉड, दीदा नीचे ही है, उन्होंने देख लिया तो? पर मैं डिले भी तो नहीं कर सकती कि मौका हाथ से गया तो रणबीर के साथ रहने का मौका भी चला जाएगा। मुझे कैसे भी प्राची को बैंगलोर जाने से रोकना है। मम्मी की आवाज में इतना गुस्सा क्यों है? कहीं दीदा ने उन्हें मेरे बारे में बता तो नहीं दिया? आलिया, वो प्रज्ञा के साथ है। किसकी बात कर रही हो तुम? दादी की, वो प्रज्ञा के साथ है। हाँ तो दादी प्रज्ञा के साथ ही होंगी ना, पसंद करती हैं वो प्रज्ञा को, और इतने दिनों बाद मिली है। प्रज्ञा जब भी ऑफिस से आती है वो प्रज्ञा के साथ ही बैठती है। पता नहीं इतनी सारी बातें लाती कहाँ से है दादी। मैं गप्पे मारने वाले साथ की बात नहीं कर रही, मैं साथ निभाने वाले साथ की बात कर रही हूँ। आई मीन वो प्रज्ञा के साथ है, शी इज सपोर्टिंग हर। अब समझे तुम, दादी इतने साल हमारे साथ रही, लेकिन घर बदलती उन्होंने साइड बदल दी। आई मीन आई नो शी लाइक्स प्रज्ञा, लेकिन उनकी फैमिली हम है, तुम, मैं, मिताली, भाभी, ताई जी, लेकिन वो प्रज्ञा के साथ बैठ के हमारी ही चुगली कर रही है। प्लीज दादी के बारे में ऐसा मत बोलो। फाइन, नहीं बोलूंगी ऐसे, लेकिन ये तो तुम भी देख रही हो ना, दैट शी इज स्टिचिंग अस। दादी इतने साल हमारे साथ रही, उनका इतना अच्छे से हमने ख्याल रखा, उन्हें अच्छे से खाना खिलाया, उनकी टेक केयर की, दुख सुख में साथ रहे, लेकिन वो प्रज्ञा के साथ है। दादी हमारे साथ कभी थी ही नहीं, साथ रहने में और साथ होने में ये दो अलग चीज होती हैं तनु। और दादी के पास पंजाब में कोई और ऑप्शन होता ना, तो वो एक भी दिन हमारे साथ नहीं रहती, चली जाती हूँ। आलिया, अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो दादी ने हमें कभी बोला क्यों नहीं? भाई की वजह से, वो भाई की वजह से हमारे साथ रह रही है, क्योंकि वो भाई से बहुत प्यार करती है और उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती। वो अपनी जगह पर सही है। वो गलत है आलिया, दादी प्रज्ञा के साथ बैठ के हमारी चुगली कर रही है। फिर से तुम दादी के बारे में गलत कह रही हो। अरे मेरी पूरी बात सुन तो लो। मैं क्या कह रही हूँ, दादी प्रज्ञा को प्रेस करे, और वो इसलिए प्रेस करे ताकि उन्हें घर का काम ना करना पड़े, और तुमने देखा प्रज्ञा ने दादी को कोई घर का काम तक नहीं दिया। प्रज्ञा कभी दादी को काम नहीं देंगी, इनफैक्ट वो किसी बड़े बुजुर्ग से काम नहीं करवाएंगी, ये प्रज्ञा के संस्कारों में नहीं है। राइट, वहाँ दादी प्रज्ञा की तारीफों के फूल बांध रहे हो, और यहाँ तुम। मैं सिर्फ फैक्ट्स बोल रही हूँ तनु। तो एक फैक्ट मुझसे भी सुन लो आलिया, प्रज्ञा हमसे इस घर के सारे काम इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि वो इस घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस में आते हैं, वो हमसे इसलिए काम करवा रही है ताकि हमें सबक सिखा सके। दादी बोर्ड पे प्रज्ञा की ऐसी लिस्ट लिख रही थी जीत की, जैसे कि मैं अभी को इस घर से नहीं लेके जा पाई, प्रज्ञा ने अभी की दारू बंद करवा दी, और प्रज्ञा ने हमसे इस घर के सारे काम करवाए। दादी ऐसे मेंशन कर रही थी बोर्ड पे, जैसे 26 जनवरी को प्रेसिडेंट से मेडल दिलवाएंगी प्रज्ञा को। और तुम इतना पैनिक करोगी तो तुम्हें अपनी पैनिक बतानी पड़ेगी। वेट,
कैसी प्लानिंग? पहले मैंने सोचा था कि मैं अपना प्लान इम्प्लांट करूंगी, फिर तुम्हें बताऊंगी। लेकिन तुम्हारी हालत को देखकर लग रहा है कि मुझे तुम्हें सब बताना ही पड़ेगा। सो दैट यू फील बेटर। क्या कर रही है प्रज्ञा? तुम्हें भाई को ले जाने नहीं दिया, भाई की शराब छुड़वा दी, हमसे घर का काम करवा रही है। ये है प्रज्ञा के कारनामे। कोई बड़ा काम नहीं कर रही है वो ऐसा कर पा रही है क्योंकि हम उसे ऐसा करने दे रहे हैं। कोई पहाड़ नहीं तोड़ा है प्रज्ञा ने, अरे घर का काम तो हम भी करते थे। इनफैक्ट पहाड़ तो मैं तोड़ने वाली हूँ, काम भी शुरू कर दिया मैंने अपना। क्या प्रज्ञा सोच रही है कि वो हमें परेशान करके हमसे जीत रही है? बिल्कुल नहीं, होगा टोटली इसका ऑपोजिट, क्योंकि मैं वो कर रही हूँ जो मैं यहाँ करने आई थी। तुम क्या सस्पेंस बढ़ा रही हो आलिया, मुझे ठीक से बोलो ना। प्रज्ञा के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है? पावर, पैसा, रेपुटेशन। बस मैं उसे वही चोट दूंगी जहाँ उसे सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। कल प्रज्ञा पर पहाड़ टूटने वाला है जब उसे पता चलेगा कि उसकी कंपनी का सबसे बड़ा टेंडर उसके राइवल के पास जाएगा, गौरव थापर। बड़ा पेड़ अगर गिरा ना सको तो उसकी जड़ों पर अटैक करो ताकि वो अपने आप मुरझाकर गिर जाए। एंड दैट्स व्हाट आई कॉल 100 सोनार की 1 लोहार की। खेलने दो प्रज्ञा को 1-1 रन, लास्ट बॉल पे छक्का तो मैं ही मारूंगी। ये क्या बोल रहे हो मामा? रिया बताओ इसे, बताओ इसे ताकि इसे भी विश्वास हो जाए। सच बोलने में कभी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। टेल हिम। मैं बताती हूं, प्राची नहीं चाहती थी कि तुम रिया के साथ बैंगलोर जाओ, इसलिए उसने फर्श पर गिरा हुआ तेल ठीक से साफ नहीं किया ताकि रिया उस पर फिसल कर गिर जाए, उसे चोट आए और उसका सारा प्लान कैंसिल हो जाए ताकि तुम दोनों बैंगलोर चले जाओ छुट्टी मनाने, फैमिली से दूर, जिम्मेदारियों से दूर। मम्मी ये क्या बोल रही हैं आप? अब गलत सोच रही। मैं ऐसा सोच नहीं रही, मैं ऐसा देख रही। और बात सिर्फ तुम्हारा रणबीर के साथ घूमने जाने की होती ना तो मैं ऐसा नहीं बोलती, लेकिन बात ये है तुम्हें रिया पर रणबीर को लेकर ट्रस्ट नहीं है, तुम शक करती हो उस पे। ये गलत है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। आई ट्रस्ट हर। तुम ट्रस्ट नहीं करती, तुम्हें ना अपनी बहन पर ट्रस्ट है ना अपनी शादी पर ट्रस्ट है। तुम अपने पति को अपनी बहन के साथ एक पल के लिए नहीं देख सकती, उसे अकेला छोड़ ही नहीं सकती। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने तेल ठीक से साफ नहीं किया और उस गलती के लिए मम्मी मुझे डेफिनेटली डांट सकती है, उनका अधिकार है। पर मम्मी बस एक ही बात कहूंगी, आप जो चाहे मुझे कहिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर प्लीज ये कभी मत कहिए कि मैं एक बुरी बहन हूँ। बुरी देवरानी बोलूंगी तो चलेगा तुम्हें? एक बहन दूसरी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन एक देवरानी अपनी जेठानी के साथ ऐसा जरूर कर सकती है। और प्राची तुमने बहन तो क्या, देवरानी होने का रिश्ता भी नहीं निभाया। अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर नहीं रखी है मैंने, और ना ही मैं मम्मी जी की तरह हूं कि तुम्हारे आंसू देखूंगी और पिघल जाऊंगी। आई नो योर इंटेंशंस प्राची, सो डोंट ट्राई एंड फूल मी। चीजें देर से समझ में आती है मुझे, लेकिन समझ में आती है। तुम पर भरोसा मैं क्यों नहीं कर सकती पता है तुम्हें? उसकी वजह तुम खुद हो। दूसरों पर भरोसा करने से पहले मैं जान लेती हूं कि वो इंसान भरोसा करने लायक है भी या नहीं। मॉम मॉम नो रणबीर, नॉट राइट नाउ। आज तुम कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी को नहीं सुना रही, आज मैं एक देवरानी को सुना रही हूँ जिसने अपनी जेठानी के साथ गलत किया। आज मैं अपनी छोटी बहू को सुना रही हूँ
जिसने मेरी बड़ी बहू के साथ गलत किया। एंड मैं किसी की फेवर में बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं किसी के अगेंस्ट हूँ। मैं सिर्फ सही को सही बोल रही हूँ और गलत को गलत। इसलिए प्लीज डोंट टेक अ साइड। अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा बोले तो कुछ अच्छा सोचो। डू समथिंग नाइस। एक अच्छी बहू, एक अच्छी बहन ना सही, एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश करो। पल्लवी, रिया, तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं कभी तुम्हारे बारे में गलत सोच भी नहीं सकती। रिया, आई थिंक तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम्हारी फ्लाइट है थोड़ी देर में। हाँ, वो आउच। क्या हुआ रिया? हाँ, आई थिंक मेरे एंकल में चोट लग गई। मैं आई कांट वॉक, इट्स हर्टिंग सो मच। अच्छा, तुम खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? डॉक्टर को फोन करो। तुम्हारी वाइफ अभी गिर गई होती तो अब तक तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया होता उसे। फोन करो डॉक्टर को। मैं बस वही करने वाला था। शाइना, रिया को अपने कमरे में ले चलते हैं। चल। या बी केयरफुल। या कोई ना पुत्र, बहुत अच्छा किया जो तूने पल्लवी की बात का तभी जवाब दे दिया। कुछ गलत नहीं किया तूने, और इसे जवाब देना नहीं, सच के साथ खड़े रहना कहते। देर से ही सही, लेकिन तूने उसे यह जता दिया कि तू सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन गलत इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अगर कोई ऐसा करेगा तो तू उसके खिलाफ आवाज उठाएगी, गलत को गलत बोलेगी। ऐसा नहीं बोलना चाहती थी। ये करना तो बहुत जरूरी था पुत्र, हमेशा बुरे काम करना ही गलत नहीं होता है, बुराई को सहना भी गलत होता है। और मेरा ये मानना है कि किसी के साथ बुरा मत करो और ना अपने साथ बुरा होने दो। तूने बहुत बर्दाश्त किया है पुत्र, बहुत बर्दाश्त किया, और अगर आज तू चुपचाप से ये सब बर्दाश्त कर लेती ना तो जिंदगी भर के लिए कमजोर पड़ जाती। अपनी लड़ाई लड़ना सीख। पिता, आप मुझे अपनों के खिलाफ जाने को कह रही है। डॉक्टर आने वाला है, बस होने से। मैं तुझे तेरे पति के लिए लड़ने को कह रही, फिर चाहे तेरे सामने कोई भी हो। तू मुझे एक बात बता, तेरी जिंदगी में इस वक्त तेरे पति से बढ़कर दूसरा कोई रिश्ता है? अगर बहन और पति में से किसी एक को तुझे चुनना होगा तो तू किसे चुनेगी? बहन अपनी जगह है और पति, पति अपनी जगह। इस नाते पत्नी का यह धर्म होता है कि वो अपने पति की रक्षा करे, करवा चौथ का व्रत रख के उसके लिए भूखी रह के उसकी पूजा करे, ये नहीं। इसलिए आंखें खोल और देख कि कौन क्या चाहता है। अरे नजर लग चुकी है तेरे रिश्ते को, और इस वक्त तेरा ये धर्म है कि अपनी कमर कस और अपने पति के ऊपर से हर बुरी नजर को हटा दे। आप देखो, इज्जत का सवाल है दादी। अब ये देखो ना दादी, ये तो सुर की जगह फुर हो गया, रास्ते में गिर गया। हवा वो चल रही है, घर हवा चल रही है। अब देखिए मेरा डार्ट कैसे तीर की तरह जाता है। यस, कम ऑन प्रज्ञा। मैम, आपको वो एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस कॉल करना था ना? अभी नहीं, अभी मेरा मैच चल रहा है। स्टार्ट मैच जिसमें तुम्हारी मैम बहुत बुरी तरह हारने वाली। जीतेगा भाई, जीतेगा।
घर का बॉस जीतेगा, मतलब प्रज्ञा मैम जीतेगी। यस सर, मैं आपको सपोर्ट करती लेकिन आपकी टीम में ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, इसलिए मुझे प्रज्ञा मैम की तरफ जाना होगा। बिल्कुल सही कर रही हो तुम। क्या है, हारने के बाद तुम्हारी मैम को ना बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। प्लीज साइलेंस, प्रज्ञा की टर्न है, साइलेंस। प्रज्ञा की टर्न है, सर कॉन्सेंट्रेट, यू विल डू इट, कम ऑन। एकदम कॉन्सेंट्रेट करके इतना बड़ा मिस तो किसी ने नहीं किया होगा। नहीं इतना खुश होने की जरूरत नहीं, जीते नहीं है आप लोग। अरे हमारे जीतने से ज्यादा खुशी ना तुम्हारे हारने पर हो रही है। खुशी ऐसे मिलती है तो थोड़ी देर में मुझे तो बहुत खुशी मिलने वाली है। एक दो तीन चार, हमारे अभी की जय जयकार। अरे मिताली भाभी कर क्या रही हैं आप? अरे चेयरिंग कर रही हूँ ना ऐसे ऐसे करके। अरे विसर्जन पर जा रही है क्या? इतना शोर मैं कॉन्सेंट्रेट कैसे करूँगा? मचाने दीजिए शोर, आपको बहाना मिल जाएगा कि शोर की वजह से आप फोकस नहीं कर पाए और हार गए। और तुम्हारे हारने के लिए तो मैं कोई बहाना ही नहीं छोड़ूंगा। सुषमा जी, हमारा प्लान सही जा रहा है। अभी का ध्यान शराब से हट गया और गेम में लग गया। हाँ बस प्रक्रिया ऐसे ही उसका माइंड डाइवर्ट करके रखे ना, तो अभी भूल जाएगा कि वो यहाँ शराब लेने आया था। इसे कहते हैं अर्जुन का निशाना। अभी तुम तो ना अर्जुन की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर भी निशाना लगा सकते हो। कैसी बातें करती है, कोई स्वयंवर थोड़ी हो रहा है। काश ये स्वयंवर ही होता, हारने वाला कोई भी होता, लेकिन जीत प्यार की होती। कुछ कहा आपने? इसे कहते हैं अर्जुन का। हो जाओ शांत हो जाओ, अब प्रज्ञा की बारी है। प्रज्ञा मैम, प्रज्ञा कम ऑन, इस बार अच्छे से निशाना लगाना, ठीक है? ध्यान से प्रज्ञा, कम ऑन प्रज्ञा। प्रज्ञा तू हारी नहीं, तू जीती, हमारा प्लान कामयाब हो गया है ना? मैम आप बुरा मत माना, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं अभी सर की टीम में रहूंगी। मैं भी मैम, बिकॉज ही इज गुड। नो ही इज बेस्ट। ये सब क्या है, एक घर में दो टीम बन के गेम को इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया। कमाल है। बट यू डोंट वरी प्रज्ञा, हम जो चाहते थे ना वही हुआ। लेकिन आंटी कुछ ऐसा भी तो हो गया है जो मैं नहीं चाहती थी। वो क्या? मतलब 24 घंटे वो मुझसे मनमानी, आप नहीं जानते वो क्या क्या करवा सकते हैं। मैंने ना एक बैल का ध्यान भटकाया है और भटका के अपनी तरफ कर लिया है। वो कहते ना आ बैल मुझे मार, अब ये बैल 24 घंटे मेरे ही पीछे पड़ा रहेगा। क्या चिल्ला है? हाजमे की गोली लाके दूं? हाजमे की गोली? वो क्या है ना, आज के हार के बाद मुझे लगा वो हार बच नहीं रही होगी, तो सोचा हाजमे की गोली दे दूं। सही क्या? और आप क्या कह रही थी? मेरी बेटी बिजनेस में ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में भी नंबर वन है। हाँ है, काहे का है? अरे डार्ट गेम छोड़ो, मेरे सामने लूडो में भी ना जीत पाए, जीतोगी? एक्चुअली वो थक गई थी इसलिए हार गई है ना। डार्ट फेंक रही थी या भाला? फिर तो गई होगी।
तो 5-5 किलो के डार्ट थे ना, भारी थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फेंकना कम करो तुम। मैं वाकई थक गई थी। तुम एक काम करो, तुम आराम कर लो, मस्त से लेट जाओ, नहीं यहाँ पर मस्त से लेट जाओ, कल फिर से नई शुरुआत करेंगे। बोला था ना कि मैं कोई भाना नहीं देने दूंगा तुम्हें। नींद आ रही है मुझे, मैं जा रही हूँ चेंज कर। नींद अच्छी नहीं थी पहले? पक्का नहीं थी? नहीं नहीं, मतलब थी पर इतनी नहीं थी। आपने परवरिश ठीक से नहीं की। मुझे ऐसे ही मिली थी, इसका मतलब तुमने उसका सही से ख्याल नहीं रखा। मैंने क्या सही से ख्याल नहीं रखा, बच्चों की तरह ख्याल रखा है इसका। शायद मेरे लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ती हो। आई थिंक सो। तो तुम मानते हो ना कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, मेरी वजह से? अरे किसी की भी वजह से हुआ है। आप दो थप्पड़ तो लगा सकती थी ना, इतनी नक्चड़ी नहीं होती थप। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लगा दूंगी ताकि तुम्हें शिकायत का मौका ना मिले। अब जब लगाने लगे ना प्लीज मुझे बुला लेना, मैं उसे मार खाते हुए देखना चाहता हूँ। चलो गुड नाइट, बाय बाय। पक्का बुलाएंगी ना? हाँ।